हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय लवली वर्ल्ड। एंड आज का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ अमेजोन हॉल पे। अमेजोन से मैंने कुछ दिन पहले, आई थिंक सो 2-3 महीने तक के कलेक्टिव आइटम्स है ये, मैंने कुछ आइटम्स लिए थे एंड उनका मैं हॉल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसमें से कुछ आइटम्स होम ऑर्गेनाइजेशन के एंड कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है, एंड सारे आइटम्स के लिंक एंड सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो या गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग ये हॉल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट आइटम है वो अमेजोन का ब्रांड है सोलिमो, उसकी 3 baskets है, सेट 3 के सेट में आती है। सो ये मुझे 249 rupees में मिला था और ओरिजिनल प्राइस का 425 अराउंड है। मैं आपको प्राइस एंड ऑल यहाँ दे दूंगी। ये 3 different sizes में आती है एंड बेसिकली फ्रूट बास्केट करके उन्होंने डाला हुआ था। आई एम नॉट गोना यूज इट फॉर द फ्रूट स्टोरेज, मैं इसको बेसिकली अपने मेकअप स्टोरेज वगैरह के लिए यूज करूंगी, बिकॉज ये कलर बहुत ही क्यूट है, पिंक कलर का। एंड इसमें ये भी मेंशन था कि इजिली वॉशेबल है, मतलब ये डिश वॉशर कंपेटेबल है, ये बेसिकली उन्होंने मेंशन किया था। मैं आपको दिखाती हूँ, जो सबसे छोटी बास्केट है ना, वो आप काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं ब्रश स्टोरेज के लिए, इनफैक्ट आप लिपस्टिक स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डेप्थ है इसमें कंपैरेटिव टू कितना वाइड है ये, उससे सबसे डेप्थ काफी अच्छी है इसकी। काफी ज्यादा प्यारी लगी क्योंकि स्टर्डी बहुत है, प्लास्टिक बहुत बढ़िया है। सेकंड साइज जो है वो भी उसका डेप्थ उससे कम है इनफैक्ट इससे, बट लेंथ काफी ज्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं जैसे कि लंबी काफी है, तो आप इसमें भी काफी चीजें रख सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू कीप योर मेकअप पैलेट्स। एंड जो थर्ड बास्केट है वो सेम जो पैटर्न है सबका, तीनों का सेम है, बस ये काफी ज्यादा गहरी है, इसकी डेप्थ काफी ज्यादा है जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे मेन चीज जो इसमें अच्छी लगी ना, उन्होंने काफी घटिया से प्लास्टिक नहीं दी है, काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, स्टर्डी लग रही है एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। इसके प्राइस के हिसाब से ये काफी ज्यादा अच्छी है, सो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द मल्टीपर्पज बास्केट। इसमें लिखा हुआ था फ्रूट बास्केट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको उसी के लिए यूज करें। एंड जो सेकेंड आइटम है दैट्स ऑल्सो एन स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, एंड ये है इनोवेरा ब्रांड से फ्रिज सेवर फूड ऑर्गेनाइजर, एंड ये पैक ऑफ 3 में आता है, मेड इन इंडिया है। इसका ओरिजिनल प्राइस 499 है एंड ये मुझे ₹239 में मिला है, एंड ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ये इजिली एक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक हैंडल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैंडल है ना, इससे आपको अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, तो पकड़ना काफी ईजी है रेदर देन जो भी बास्केट ऐसे रहती है। प्लास्टिक इज ओके, बहुत ग्रेट नहीं बोलूंगी मैं, बट इसका जो पैटर्न है मैशी वाला, ये मुझे पसंद है पैटर्न, बिकॉज इसमें से आपको आइटम्स या अगर आप फ्रिज में कुछ भी रख रहे हैं काफी ज्यादा अच्छे से दिख जाता है। सो ये अमेजोन का वन ऑफ द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में आ रहा था एंड मुझे ये काफी टाइम से मैं आई आउट कर रही थी और मुझे लेना था। मुझे ऐसे ट्रांसपेरेंट बास्केट चाहिए थी, इसका साइज भी काफी प्रॉपर है, तीनों सेम साइज में आता है इसमें। अगर आप फ्रिज के लिए देख रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजर, या फिर आप नॉर्मल भी देख रहे हैं अगर आपको बाथरूम वगैरह में भी यूज करना है एंड, तो भी ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि साइज इज ओके, मतलब मीडियम साइज का है ये एंड डेप्थ भी काफी अच्छी है इसकी एंड इजिली एक्सेसिबल है इसके हैंडल के कारण। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड काफी यूजफुल लगा एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। के बाद जो प्रोडक्ट है ये प्रिटी क्राफ्ट्स ब्रांड से शर्ट्स एंड क्लोथिंग स्टैकर ऑर्गेनाइजर है, ये 6 के पैक में आता है। इसका ओरिजिनल प्राइस 1499 था एंड मुझे ये 999 में मिला था, अभी तो ये शायद 800 something का मिल रहा है। सो इसमें से ऑलरेडी मैं 4-5 यूज कर रही हूँ और ये एक ही बचा है, ये मैंने जस्ट डेमो के लिए रखा था। तो ये ऐसे करके रहता है, इसमें आप अलमीरा में यूज कर सकते हैं अपनी, अगर आपको शर्ट्स वगैरह या टॉप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसमें आप बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं। एंड दिस वन गोज डाउन हेयर एंड ये बेसिकली इसको स्टर्डीनेस देने के लिए होता है, सो दैट ये थोड़ा सा टाइट सा हो जाए, बिकॉज ये बहुत ही लूजी लूजी सा रहता है। मैं अगर आपको बोलूं कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा, तो मुझे बहुत ग्रेट नहीं लगा, बिकॉज एक तो इसकी शेप रिटेन नहीं रहती अगर मैं इसमें टॉप वगैरह रख रही हूँ। सम वेज इट्स गुड बिकॉज अगर आप इसके 2-3 साथ में रख रहे हैं अलमीरा में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइट से शेप का नहीं है, तो ये काफी ज्यादा मूवेबल भी है, लाइक ये एडजस्ट हो जाता है। बट होता क्या है ना कि अगर आप इसमें थोड़े भी वैसे टॉप रख रहे हैं तो ये ऐसे करके पूरा फूल जाता है एंड कुछ दिनों बाद बहुत ही ज्यादा टूटने से लग जाता है, ब्रेकेबल सा लगने लग जाता है। हाउएवर मैंने कुछ ब्रांड्स के लिए थे पहले एंड वो उतने भी नहीं चल रहे थे जितने ये चला है, तो मैं बोलूंगी कि अगर आपको स्टोरेज ऑर्गेनाइजर लेना है तो आप इससे ज्यादा थोड़ा स्टडी ले सकते हैं। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम ऑप्शंस फॉर यू एंड मैं लिंक में दे दूंगी। तो मुझे ये ओके प्रोडक्ट लगा, बहुत खराब भी नहीं लगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगा, बिकॉज मैं इसे यूज कर रही हूँ ऑलरेडी एंड मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बाकी ब्रांड के जो मैंने लिए थे 1-2 पहले उससे अच्छा है, बट इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है, थोड़े दिन में ही खराब सा हो जाता है इसका बेस जो ये रहता है, तो आपका ये मतलब काफी दिन नहीं चलेगा एंड यू आर पेइंग अराउंड
$1,000 फॉर दिस, सो आई एम नॉट गोना रिकमेंड दिस टू एनी वन. पर जो मैंने आइटम लिया है, मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी आइटम, ये है ऑसम ब्रांड का सिल्क सेटिन पिलो कवर. इसका साइज है 20x26 इंच. तो ये मैंने बेसिकली इसलिए मंगाया है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो भी सिल्क के आइटम्स रहते हैं वो आपके स्किन एंड हेयर्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं. मैं आई एम गोना टेल यू दैट लेटर ऑन. इसका प्राइस मैं आपको पहले बता देती हूँ. ये मुझे 349 रुपीज का मिला था. इसका ओरिजिनल प्राइस मैं आपको दे दूंगी, अभी मुझे याद नहीं है. इसमें काफी कलर्स आ रहे थे, ग्रे आ रहा था, ग्रीन आ रहा था, ब्लैक आ रहा था. मुझे पर्पल ही लेना था बिकॉज आई लव दिस कलर और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कलर. ये मतलब ये सिल्क सेटिन मटेरियल है एंड ये प्योर सिल्क तो नहीं है. आई एम डेफिनेटली कन्फर्म ऑन दैट बिकॉज सिल्क इतना ज्यादा सस्ता नहीं आता है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है. सो आई हैव रेड समवेयर अबाउट सिल्क दैट इट रिड्यूसेस फ्रीजीनेस इन योर हेयर एंड इट्स गुड फॉर स्किन ऑल्सो. सो ये रिंकल्स वगैरह भी रिड्यूस करता है. आई मीन टू से एग्जिस्टिंग रिंकल्स को कुछ नहीं करेगा ये, बट आपके रिंकल्स एजिंग जो प्रॉपर्टीज होती है उनको डिले करता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं सिल्क के बारे में. सो मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहती थी बेसिकली फॉर माई हेयर्स बिकॉज मेरे हेयर्स नीचे से थोड़े ड्राई हैं और हेयर फॉल का प्रॉब्लम मुझे हो रहा था, तो मैंने इसलिए ये वाला ट्राई करने के लिए मंगाया. मटेरियल इज गुड, पॉलिस्टर नहीं बोलूंगी मैं. आई वॉज अफ्रेड कि पॉलिस्टर ना हो, और बट जो फिनिशिंग मैं बोलूंगी ना वो बहुत ही एकदम रद्दी फिनिशिंग है. फिनिशिंग इज नॉट गुड, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने घर पे बैठ के बस स्टिच कर दिया. बहुत ही बेकार फिनिशिंग है, काइंड ऑफ बहुत अच्छी सी फिनिशिंग नहीं लग रही है. बिकॉज दिस मटेरियल इज गुड एंड जो इसका प्राइस है उस वाइज में फिनिशिंग थोड़ा सा जो फिनिशिंग खराब है उसे इग्नोर कर सकती हूँ. एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस वन इज कुशन कवर्स. ये एरो हेवन ब्रांड का कुशन कवर है, कॉटन प्रिंटेड कुशन कवर्स. मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. मल्टी कलर है ये और ये प्रिंट मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे. तो ऐसे 5 कलर्स में आया है, 5 का सेट है ये और 16 इंच इसका साइज है. एंड जो मुझे जिस प्राइस में मिला था वो था 499. अभी ये और भी ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा है, आई थिंक सो 429 समथिंग में मिल रहा है. इसका ओरिजिनल प्राइस है 699, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं बोलूंगी. बट मुझे ना ये कुशन कवर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे. पीछे इनका जो मटेरियल है वो काइंड ऑफ कॉटन प्लस पॉलिस्टर मिक्स है और आगे भी कॉटन है. मुझे जो ये फ्लोरल से जो इन्होंने 5 कलर दिए है ना वो प्रिंट काफी बढ़िया लगा. मैं आपको 5वां दिखाती हूँ. तो ऐसे करके है ये, इसमें लिखा हुआ है कि लिव सिंपल करके इसमें से कोट लिखा हुआ है. जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एज यू कैन सी. ओ माई गॉड, दिस वन इज फेवरेट. ये और येलो वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. लेट मी शो यू. सो यू कैन सी कि बहुत ही प्यारा है, फ्लोरल सा बना हुआ है एंड बहुत चीप क्वालिटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लावर्स बने हुए हैं तो बहुत ही गंदा सा प्रिंट लग रहा है, काफी बढ़िया प्रिंट लग रहा है एंड बहुत ही प्यारे कॉम्बिनेशन जो उन्होंने चूज किया है ना, हैट्स ऑफ टू दैट. लास्ट वन इज ऑल्सो इन व्हाइट एंड येलो कलर. आई लव दैट, आई लव दिस कुशन कवर्स. आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अपने कुशन्स में कभी लगाने वाली हूँ. मुझे प्राइस वाइज ये थम्स अप लगे, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे इस हॉल में से, बिकॉज प्राइस इसका काफी ज्यादा ठीक ठाक लगा मुझे. मुझे थोड़े से अच्छे कपड़े के कुशन कवर्स चाहिए होते हैं अपने 16 इंच वाले कुशन्स के लिए, बिकॉज वो हम डेली यूज करते हैं, वो हमेशा हमारे सोफे पे रहते ही हैं. तो मैं बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी का कपड़ा नहीं यूज कर सकती हूँ. सो उस वाइज से मुझे अच्छे लगे, काफी बढ़िया कपड़ा है इसका. एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी कुशन कवर्स है, वो भी एरो हेवन ब्रांड के कुशन कवर्स है. एंड आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड यू कि आप इस ब्रांड के कुशन कवर्स चेक करें, बिकॉज ये काफी बढ़िया कुशन कवर्स रहते हैं इनके. एंड जो ये वाला कुशन कवर है ये भी सेट ऑफ 5 है एंड 12 इंच है इसका साइज, 12x12. एंड ये मैंने अपने छोटे कुशन्स के लिए मंगाए हैं, सेट ऑफ 5 ही आता है इसमें. इसका जो प्राइस था वो 799 था, आई गॉट इट फॉर अराउंड 331. ये भी काफी बढ़िया प्राइस में मुझे मिले. इसका जो मटेरियल है आगे का जूट जैसा मटेरियल है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था. एंड जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना ये वाले, इसमें सेम है, सेम फ्लावर है, सेम सब कुछ है, बट जो ये बेस से कलर में इन्होंने जो ये मल्टी कलर सा फ्लावर्स दिए हुए हैं ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था मुझे. देखते ही अच्छा लग गया था. आपको ये डिफरेंट साइजेस में मिल जाएगा, 12 इंच में मिल जाएगा, 16 इंच में मिल जाएगा. तो सारे साइजेस में ये अवेलेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड आई एम सो हैप्पी विद द प्रोडक्ट बिकॉज काफी बढ़िया है. पीछे से जो उसका कलर है थोड़ा डार्क सा है, फिनिशिंग वगैरह मुझे काफी अच्छी लगी. कि मुझे ना ऐसा नहीं पसंद है कि आप प्रोडक्ट दे रहे हैं 300 या 400 में एंड फिनिशिंग इतनी खराब दे रहे हैं कि मतलब उससे पता चल रहा है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा कम प्राइस का है. ऐसा नहीं मुझे लगता है कि भले आप वर्क थोड़ा सा कम दे दें बट आप फिनिशिंग अच्छी रखें. तो उस वजह से काफी अच्छा है एंड जिप वगैरह भी इसकी काफी अच्छी क्वालिटी की है.
जिप, मैं उस वाली का आपको दिखाना भूल गई, मैं इसकी आपको दिखा रही हूँ। जिप वगैरह काफी अच्छी क्वालिटी की है एंड थोड़े बहुत थ्रेड्स वगैरह निकलना इज नॉर्मल, इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें, इसमें तो फिर भी उतने नहीं है। सो ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये वाला भी। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो फ्लिपजोन का 3-पीस मल्टीपर्पज ड्रॉयर ऑर्गेनाइजर है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 495 है एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 180 रुपीज। एंड ये काफी ज्यादा मल्टीपर्पज रहता है, इसमें लाइक आपको 5 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे कि आपकी छोटी छोटी चीजें होती है ड्रॉयर्स वगैरह में, लाइक सॉक्स, हैंकरचीफ, अंडरगारमेंट्स, सो आप उसको इन वाले कंपार्टमेंट से रख सकते हैं और वो इजीली एक्सेसिबल रहती है। सो मैं बेसिकली इसको ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर या लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज करने वाली हूँ, 2 जो पीस है एंड 1 मैं हैंकरचीफ ऑर्गेनाइजर के लिए यूज करने वाली हूँ। मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आप इसमें रबर बैंड, छोटी छोटी चीजें ना जो आपकी गुम हो जाती है, लाइक आपकी काफी चीजों में अंदर घुस जाती है, तो आप उसको आराम से इसमें रख सकते हैं बिकॉज फिर वो आराम से आपको मिल जाएगी क्योंकि एक जगह पे रहेगी। आई नो ये मैं काफी ज्यादा डिफाइन कर रही हूँ आपको कैसे यूज करना है, बट मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड काफी स्टर्डी है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप इसको स्टेशनरी में भी यूज कर सकते हैं आराम से। आई लव्ड इट एंड प्राइस भी यही है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है आई नो वो मेरी पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा, तो दिस वन इज स्टिच नेस्ट का येलो एंड ग्रे इक्कत प्रिंटेड कैनवास कॉटन कवर। ये 2 कुशन कवर के सेट में आता है। इसका ओरिजिनल प्राइस इज 999। आई गॉट इट फॉर अराउंड 499 रुपीज एंड ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये 24 इंच साइज है इसका। मैं आपको एक थोड़ा सी दूर से वीडियो डाल दूंगी यहाँ पे सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए, डोंट वरी। इसका जो प्रिंट है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लाइक इट्स येलो एंड ग्रे का जो मिक्सचर है वो काफी बढ़िया लगा। इसके 2 जो कुशन आते हैं वो अलग अलग कलर में आते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको अच्छे से वीडियो डाल दूंगी सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है एंड ये भी ग्रे येलो ब्लैक कलर में जो फ्लावर्स एंड लीव्स है ना वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था ये कॉम्बो एंड प्राइस वाइज भी मुझे ओके लगा बिकॉज 24 इंच का साइज है, क्वालिटी इज वेरी गुड एंड मैं इसको अभी बैकग्राउंड के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कलर काफी ज्यादा प्यारा है तो बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसके कलर के कारण। एंड मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी ये वाला कुशन कवर अगर आप सर्च कर रहे हैं 16 इंच 18 इंच में। आई थिंक सो ये अवेलेबल है, मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक में जाके देख सकते हैं आराम से। मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी लेने को, प्रिंट, कपड़ा, एवरीथिंग, फिनिशिंग ये है, मतलब ऑसम है, काफी ज्यादा बढ़िया। उसके बाद जो आइटम है वो क्लासिको का ये माइक्रोफाइबर कुशन फिलर्स है एंड ये भी पैक ऑफ 2 में आता है एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1399 है एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 632। मैं आपको ये पूरा फुल पिक ही दिखा रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए बहुत अच्छा सा कि कितना साइज वगैरह है इसका। एंड ये वैक्यूम पैक्ड रहता है एंड अगर मतलब काफी ज्यादा फ्लैट रहता है जब आप इसको ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए उसके बाद ही अपने ओरिजिनल साइज में आता है। इसका जो आउटर मटेरियल है दैट इज अ नॉन वोवन पॉलिस्टर एंड इनर फिलिंग इज रिलायंस का कॉन्जुगेटेड फाइबर। मुझे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज मेरा मुझे बैकग्राउंड में कुछ बड़े क्वेश्चन चाहिए थे दैट टू इन द 24 इंच और 20 इंच एंड दिस वन कवर्स वेरी वेल। मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा इसका क्वालिटी, मैं आपको लिंक वगैरह सब दे दूंगी। सो इफ यू इन सर्च ऑफ एनी बिग क्वेश्चन सो आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड यू दिस वन बिकॉज प्राइस वाइज इज काफी अच्छा है। मैं बाकी भी देख रही थी वो काफी प्राइसियर साइड में थे, ये इस थोड़ा बजट में है, ये आप ले सकते हैं आराम से। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है पर्पल ट्री का डेकोरेटिव स्टार कर्टन एलईडी लाइट्स फॉर दिवाली, क्रिसमस, वेडिंग, ये पूरा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये 2.5 मीटर इसकी लेंथ है एंड 138 एलईडी लाइट्स है इसमें, 6+6 स्टार मतलब 6 बड़े एंड 6 छोटे स्टार्स। जो इसका ओरिजिनल प्राइस है दैट वन इज 1999। आई गॉट इट फॉर अराउंड 549। मुझे काफी ज्यादा अच्छे प्राइस में मिली थी, अमेजोन में उस टाइम कोई लाइटनिंग डील चल रही थी इसलिए मैंने ये वाला बाय किया और मैं काफी टाइम से सर्च भी कर रही थी। मैंने दिवाली के टाइम पे ये लिया था प्रोडक्ट्स तो मैंने वो ऑलरेडी अनपैक कर लिया था बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज इट इन दिवाली डेकोरेशन। उसमें 8 मोड सेटिंग्स है। आई लव द लाइट्स, लाइट्स की क्वालिटी आर ऑसम एंड ऑसम। लेंथ इज ऑल्सो वेरी गुड, लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है इसकी और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आई लव इट। सो यार गाइज ये था मेरा अमेजोन का शॉपिंग हॉल एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स वर द होम ऑर्गेनाइजेशन आइटम्स, सम ऑफ द आई थिंक 2 or 3 वर द डेकोरेटिव वन। मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स, मैं लगता है काफी टाइम से बाय कर रही हूँ उनके प्रोडक्ट्स। सो आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आराम से मिल जाए। सो यार गाइस बाय बाय।